हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई देखो क्या कहते हैं, अभी अभी इको की स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी तो मैं देखो अभी फिर से शूट कर रहा हूँ। भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो हाँ, मेरे को पता है कि पेपर 3 में क्वेश्चन गलत आए थे, और पेपर 3 देखो क्या कहते हैं, रिव्यू दे दो पहले पेपर 3 का क्या था, सारे डाउट क्लियर करो। जो तुम मेरे को लगातार मैसेज कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, या कमेंट सेक्शन में, भाई मत करो मत करो, मैं तुम्हारा इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या होने वाला है पेपर 3 में। देखो अब भाई पेपर 3 का रिव्यू ये था कि पेपर 3 इतना हार्ड नहीं था, नहीं था इतना हार्ड, पेपर 3 इजी आया था, LR थोड़ी सी हार्ड थी। ठीक है, मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आए और मैंने देखा भी कई क्वेश्चन जैसे मेरे को बच्चों ने भेजे थे, तो LR थोड़ी सी हार्ड थी, बाकी पेपर 3 इजी आया था। भाई देखो अब की बार ऐसा मत कहना हार्ड आया था, LR थोड़ी सी हार्ड थी, मान लिया लॉजिकल रीजनिंग हार्ड थी, लेकिन इजी था पेपर। और देखो ग्रेस मार्क्स की क्या बात है कि भाई LR के एक दो क्वेश्चन रॉन्ग आए थे और बाकी पेपर में TVM के एक दो क्वेश्चन रॉन्ग थे। मतलब मैंने सुना, मतलब जो आप मेरे को कह रहे हो ना भाई, 4-5 क्वेश्चन जो रॉन्ग आए थे ना पेपर में, मैथ्स के पेपर में, भाई उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आपने अटेंड करे हो या ना करे हो, क्योंकि मैथ्स के पेपर में सबको ग्रेस मार्क्स क्यों मिलेंगे भाई, क्योंकि जो मैथ्स का पेपर होता है ना, बच्चे कई बार इस डर के मारे नहीं करके आते कि नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 एक नंबर मिलने की बजाय 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, तो भाई सबको क्या कहते हैं ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जो 4-5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन गलत आया तो भाई घबराओ मत, और क्या कहते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर दिया है ना, मतलब क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लिखा छोड़िए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए ही आता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, और देखो ग्रेस मार्क्स का मैंने डाउट क्लियर कर दिया भाई, अब देखो परेशान मत करो यार प्लीज़, मतलब थोड़ा सा तुम इको वाले बच्चों के डाउट सोल्व करने दो। ग्रेस मार्क्स का कहा था बताऊं मैं तुम्हें, अब ग्रेस मार्क्स मैंने कह दी ना, अगर 4-5 क्वेश्चन गलत है तो मिल जाएंगे ग्रेस मार्क्स, और देखो पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स, अब कल इको परसों इको का पेपर खत्म हो जाने दो, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कन्फर्म न्यूज़ के साथ बताऊंगा, अभी तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है। और देखो मैं 4-5 क्वेश्चन जो तुम बता रहे हो उसी बेस पे बता रहा हूँ कि जो गलत है उसी के मिलेंगे, और सबको मिलेंगे, जो तुम पूछ रहे हो ना जिसने अटैम्प्ट करा नहीं मिलेंगे, या जिसने अटैम्प्ट करा उसे मिलेंगे, या जिसने नहीं करा उसे भी, भाई सबको मिलेंगे मैथ्स के अपने ग्रेस मार्क्स, क्योंकि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है ना, तो इसलिए सबको दे दिया ऐसे ग्रेस मार्क्स, तो घबराओ मत। और पेपर तो देखो ईजी आया था, नौटंकी मत करना अब तुम कि पेपर हार्ड आया था, LR हार्ड थी मान लिया, लेकिन पेपर इजी था। और अब देखो ईको की स्ट्रेटेजी वीडियो आ गई तो चुपचाप जाके 1.5 डे उसे फॉलो कर लेना, क्योंकि एग्रीगेट मार्क्स उसी से बनेंगे, और ग्रेस मार्क्स ही पूरी 100% कंफर्म गारंटी के साथ पेपर के बाद बताऊंगा। अब सारे चारों पेपर हो जान दो, फिर मैं भी थोड़ा सा देखूंगा, दाखूंगा इधर उधर से, डिस्कस करूंगा लोगों से, मालूम करूंगा, खबर पानी निकालूंगा, जब बताऊंगा। और तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, स्माइल बना के रखनी है, ज़्यादा घबराओ मत, पेपर 4 पे फोकस करो।